सियासत की सरगर्मियां जो है अरूज पर है और शमाली कश्मीर में जैसे ही वोटिंग जो है नज़दीक आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कैंपेनिंग जो है तेज़ कर दी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला आज सोपोर के लोगों से खिताब करने के लिए आ रहे हैं। किस तरह लोग इस रैली को देखते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप सोपोर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सोपोर का तमद्दुन, सोपोर का तशख्खुस, सोपोर की शख्सियत, सोपोर की सकाफत, सोपोर की सालिमियत अगर कोई पार्टी बरकरार रख सकती है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस रख सकती है। किस तरीके से सर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सोपोर को सपोर्ट कर सकती है? सवाल फिर से कीजिए। किस तरीके से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अगर आती है तो सोपोर में किन चीज़ों को चेंज देखने को मिलेगी? सोपोर में हमें बहुत सारी चेंजेस हमें मिलेंगी, नज़र में आएंगे। देखिए, हमें 1953 से पहले यहाँ एक हायर सेकेंडरी बनी और डिग्री कॉलेज 1953 में बना। उसके बाद यहाँ हमें कोई तालीमी एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक नहीं मिली। हम चाहते हैं कि हमें खोया हुआ डिस्ट्रिक्ट वापस मिले। सोपोर को डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारी आने वाली सरकार जीरो ड्रग टॉलरेंस पे चले और ड्रग्स के गुनाह को खत्म। सोपोर में इससे पहले जो है इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज जो है वो देखने को नहीं मिलती थी, तो आप आज जो यूथ जो है बढ़ चढ़ के जो है रैलियों में आ रहा है? देखिए सर, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैंने 30 साल में कभी नहीं देखा था कि सोपोर में रैलीज हुई है। आज मैं फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ, लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि हम लोगों को अब कुछ चाहिए ना। अब हमें एक ही मुद्दा और मकसद है, हमें सोपोर को देखना है पहले। अगर मैं सोपोर का बाशिंदा हूँ, मुझे पहले सोपोर को देखना है, क्योंकि सोपोर में इतने प्रॉब्लम्स है कि हम बता नहीं सकते हैं। मजबूरी है ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपका कहना है कि सोपोर की मजबूरी है, सरकार साहब जरूरी है। सर क्यों जरूरी है? ये जरूरी है, ये हर एक को पनाह देते हैं, अपने सीने पर देते हैं। ये अच्छा बंदा है सोपोर का, अच्छा सबसे बंदा, अच्छा जानसदार बंदा। क्या बात है आज की रैली पर? अलवान है, अलवान अलवान शहर कश्मीर खून शहर कश्मीर गैस गैस बनी मोजी कश्मीरी जय या नेशनल अच्छा शक्ति आब नल्क फीस बिजली फीस मीटर रोज चाहे वो तोमल करो काम ज़्यादा नौजवान बच बेरोजगार बच्चे बेरोजगार बिजली फीस आब कूरा सोर क्यों मूज पहले थी सरकार बीजेपी आई, बाकी उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जिस टाइम इधर नेशनल की हुकूमत थी हम ठीक थे, हम अपने काम ठीक से करते थे, हम अपने रोजी रोटी ठीक से कमाते थे, हम ठीक से ढंग से खाते पीते। अस चुनमुत ऑनेस्ट लीडर गुलाम रसूल इरशाद रसूल कावर साहब, अमिस पे इनशाला आराम गोड खुदा रसूल पे विश्वास, तमें पेमिस पे विश्वास अस क्या अमस मोल खातरदारी कर पी एच ई दफ्तर तेम ना मतलब मशक मुलिम तुम अमी लगम एम एल ए बनया मनीषर बनया सोपोर गो वरीक नजरअंदाज। हमारी रियासत का अपना झंडा था वो लिया गया, हमारी रियासत में हमारा अपना आईन था वो लिया गया, जमीन पे हक हमारा था वो हक छीना गया, रोजगार पे हक इन नौजवानों का था वो लिया गया, हमारी दरियाओं से रेत निकालने का हक हमें था वो लिया गया, हमारे जंगल और पहाड़ों पे हक हमारा था। सवाल आपने दूसरा पूछा कि और पार्टीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों है, किस पार्टी पे भरोसा करें हम? कांग्रेस पे,
कांग्रेस पर भरोसा करे जिसने हमें ऑटोनॉमी छीन ली, हमारी हमारे हकूक पहले छीन लिए, उसके बाद आई पी डी पी। पी डी पी हैज़ क्रिएटेड बाई द रॉ, ये ए एस दौलत अपनी उसका द वाजपेयी रिजीम इन उसकी बुक एक आती 499 रुपये की, उसको आप पढ़िए। उन्होंने मुफ्त सैद को ये इसलिए खड़ा किया जैसे आज इंजन रशीद को खड़ा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये मोनोपोली उसको तोड़ दिया जाएगा, कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जब वो नाकाम हुआ उसके बाद उसने अपनी पार्टी जो सजालुद्दीन की पार्टी क्या कहते हैं उसको पी सी को क्रिएट किया है। जब वो नाकाम लोगों को पता चला कि वो सेंटर की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, उसके बाद सी टीम अल्ताफ बुखारी की पार्टी अपनी पार्टी, उसके बाद आप डी टीम लगाई ऋषि इंजीनियर के नाम से। इरशाद साहब कदम बढ़ाओ, इरशाद साहब कदम बढ़ाओ, सोपोर की मजबूरी है। आप मुझे बताइए, आप खुद एक नौजवान हैं, इरशाद रसूल कार अगर सोपोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल करते हैं तो यूथ के लिए वो क्या कर सकते हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यूथ के लिए क्या कर सकती है? यूथ के लिए जो है ना, सबसे बड़ी बात करना है, बात ये जो सुननी, या हम जो कोई भी बात इनसे करते हैं ना, कोई भी मुताला इनसे करते हैं, चाहे ग्राउंड का हो, चाहे यूथ के लिए हो, चाहे मतलब बेरोजगारी के लिए हो, मतलब सब कुछ के लिए हम ये बात सुनता है, मतलब सुनने के लिए इंसान होना चाहिए। हर कोई इसके पास जाता है, हर एक की बात सुनता है। बाकी लीडर्स बात नहीं सुनते हैं? सुनते हैं मतलब हम ये अभी हम यूथ जो है अभी ये भरोसा करते हैं, हम इंशाल्लाह इरशाद साहब को इस पर भरोसा करके जो इंशाल्लाह। तो जो बासा अगर एनसीई हुकूमत ही ये मसला गसन इंशाल्लाह तेलियामुगला हिसाब अगर हम बनन वार कर वजीर आजम बना या फारूक अब्दुल्ला बनी उमर अब्दुल्ला बनी हम ना पत हिसाब तय मुनु तेम साथ आसे ऐसा करो इस वजह। ये थी हमारी खास रिपोर्ट इलेक्शन के हवाले से, आप देखते रहिए अनफोल्ड प्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट अजमुल के साथ मैं अर्शदीप, अनफोल्ड प्रेस, सोपोर।